हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी फ्रेंड्स ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी होंगे। मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि रिफ्यूजी वालों का वीज़ा चेंज हो जाता है। हाँ जी भाई, बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद मेल डालकर रिफ्यूजी ऑफिस से पूछा था कि कहते कि हाँ भी चेंज हो जाता है, एप्लीकेशन लगती है। तो 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है साइप्रस मिल के ऊपर कि जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स मिलती थी वो सारी बंद कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स फ्री में उठाकर 100-200 यूरो की बेची जा रही थी, जितने की भी मिन 200 यूरो की। इसलिए द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस ने ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम बंद कर दिया है। तो वो निकालेंगे नया सिस्टम, जैसे भी निकालेंगे, पर फिलहाल के लिए इन्होंने सिस्टम बंद कर दिया है और बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी है साइप्रस में रेफ्यूजी वालों को लेकर। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि भाई, अभी कोई भी बंदा अपने पैसे किसी एजेंट को ना दे। फिलहाल के लिए रेफ्यूजी नहीं लग रही है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है, रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं कन्वर्ट हो रहा है, फाइलें नहीं जा रही है आगे। एजेंट आपसे पैसे ले लेगा 1500 यूरो, 2000 यूरो, पर आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं लग रही है आगे एम्बेसी में या फिर जो इमिग्रेशन ऑफिस होता है ना। तो इसलिए अपने पैसे किसी जगह पर मत फंसाओ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि रिफ्यूजी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो भी रहा है, जैसे कि ये हमारे बड़े भाई हैं, तो इन्होंने बताया, देखो कमेंट किया है कि 10 में से सिर्फ एक बंदे का कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत है। तो अभी के लिए तो मत कराओ कुछ भी, इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट आई तो मैं ज़रूर डालूंगा। तो बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटी होने के कारण साइप्रस में कोई भी वर्किंग नहीं चल रहा है, यहाँ की येलो पेपर, मैरिज पेपर नहीं हो रहा है, वीज़ा ट्रांसफ़र, रिफ्यूजी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बंद कर दिया गया है इनलीगल एक्टिविटीज़ के कारण। तो रिफ्यूजी वालों का जो स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो रात को भी मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स की बात हो रही थी, साइप्रस से रिपोर्ट आई है कि डाली पिंड में हमारे 10 पंजाबी लड़कों को पुलिस वालों का छापा पड़ा है फार्म पे, तो वो 10 से 12 लड़कों को उठा लिया गया है और उनको डिपोर्ट करने लगे हैं इंडिया को, जिनके पास रिफ्यूजी स्टेटस था, जिनकी रिफ्यूजी बंद हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी उनको। तो इसलिए सभी अपना ध्यान रखें और अपना, अभी तो स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है, किसी भी एजेंट को पैसे मत दो, और जब अगर कुछ भी एक्टिविटी होगी तो मैं आपको बताऊंगा जी। बाकी ये न्यूज़ आप सभी देख सकते हो, ये न्यूज़ आई है, तो जो मैंने कहा है ये सब कुछ इसमें यही लिखा है कि रिफ्यूजी वालों का बहुत, ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सारी बंद हो चुकी है, जो 200 यूरो की, मतलब कि एजेंट फ्री में उठाकर अपॉइंटमेंट 200 यूरो में सेल कर रहे हैं साइप्रस में। तो यही इन्होंने सारा कुछ लिखा है जी।